हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? चलिए देख लेते। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पहली बात। दूसरी बात, चलिए देख लेते हैं आज के हमारे बहुत ही अहम वाले टिप्स, जिसको लेकर हर कोई आजकल परेशान है। तो देर ना करके चलिए शुरू करते। चलो दोस्तों, आज हम यहाँ पे देख लेते, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ भी करते तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमारी यहाँ पे घुटनों पे, पिंडलियों पे दिक्कत होती है, बहुत ही दिक्कत होती है हमें। हमारे पैर में सूजन आ जाती है, चल नहीं पाते, पैर की जो ये साइड वाला हिस्सा है उसमें वो सूजन होती है, फूल जाती है, स्वेलिंग होती है। देखिए पैर इस तरह से फूल चुका है, देखिए इस तरह से। ये जो साइड वाले जो हमारे ज्वाइंट पोर्शन है वो बहुत दर्द करता है, घुटनों में दर्द होती है, हम चल नहीं पाते, उतर नहीं पाते, है ना दोस्तों। डेली मर्रा की लाइफ में हम कुछ भी करते तो तकलीफ यहीं पे हमें होती है। तो चलिए घर पे आज कुछ बनाते हैं जिससे आपको 100 से 100% आपको छुटकारा मिलेगा, मतलब बहुत ही राहत फील करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लेते एक बाउल में लेते हैं, पहले सबसे अहम चीज है सरसों का तेल। सरसों की तेल हर किचन में मिल जाएगी, अगर नहीं है तो एक डिब्बिया सरसों की तेल रखिए आप, और इसके साथ मिलाइए थोड़ी सी नारियल का तेल। 2 चम्मच सरसों के तेल ले रहे तो 1 चम्मच नारियल तेल मिलाना बहुत ही जरूरी है। दोनों अपना अपना काम करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे ले लिया एक बाउल में, यानी कि एक बर्तन में ले लिए, और लेने के बाद चलिए हम अगली काम करेंगे हमारे, जो यहाँ पे दोनों चीजों को मिलाने के बाद एक कपूर ले लेते हैं। कपूर की काम भी इसमें बड़ा मजा होता है, मतलब बहुत ही अनोखा होता है। तीनों चीजों को लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पे इसको अच्छे से हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद चलिए इसी तेल को हम अपनी पैरों में लगाते हैं। आप यहाँ पे हफ्ते में 3 बार कीजिए और आपको किस तरह से राहत मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते। अगर कोई है आपके घर पे तो उसको इस तरह से आप मसाज कीजिए, कोई है तो बोलिए अपने पैर पर बना दे। और अगर आपके बुजुर्ग है वो चलने में दिक्कत होती है, पैर में इस तरह से फूल गया है, सूजन हो गई है, तो आप अपनी बुजुर्गों को थोड़ा कर लीजिए तो देखिए कितनी वो खुशी हो जाएंगे, मतलब बहुत ही राहत फील करेंगे। लेकिन दोस्तों इसको लगाने का तरीका है, देख लीजिए मुझे, मैं कैसे लगा रही हूँ। मैं अपनी दीदी की पैर पे लगा रही हूँ, उनके पैर कितने बड़े बड़े मोटे मोटे होके फूल चुके हैं, इसने की बहुत सारे प्रॉब्लम, पैर में बहुत सारे प्रॉब्लम होती है तो उनको बहुत ही तकलीफ होती है। देखिए ये जो तेल हमने लगाया सरसों के तेल, दर्द खींचने में बड़ा मदद मिल जाती है, और नारियल तेल जो होती है हमें पोषण देती है, और जो कपूर हमने डाला है ये ठंडक देती है। तीनों चीजों का अनोखा मिलन यहाँ पे हो गया। लेकिन इसको मसाज कैसे करेंगे पैर पे, देखिए दोस्तों पैर पे हम इस तरह से तेल लगा के इस तरह से मूवमेंट करेंगे, देखिए अपनी उंगलियों में, देखिए इस तरह से दबा दबा के मूवमेंट करेंगे, जो हमारे पैर को बहुत ही अच्छे से मालिश करेंगे। देखिए ये सारे पॉइंट जो होते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट होती है, उसी जगह पे थोड़ा दबा के मसाज करेंगे। पहले मैंने कैसे मसाज की थोड़ी अच्छे से देख लीजिए आप, 2-3 बार हफ्ते में कर लीजिए। वो जो इंसान जिसकी जो तकलीफ में है ना उसको बहुत ही अच्छा फील होगा। देखिए इस तरह से आप पूरे पैर को मसाज कर सकते हैं, और सिर्फ पैर को मसाज करना जरूरी नहीं है, मतलब काफी नहीं होता है। हमारी पिंडलियां भी वैसे ही तकलीफ होती है, मांसपेशियां स्टिप हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, नींद नहीं आती है, रात को सोने के टाइम हम हर किसी को बुलाते, छोटे बच्चों को बुलाते थोड़े पैर पे खड़े हो जाओ। तो देखिए मांसपेशियों को पिंडलियों को जब भी आप तेल लगाएंगे मसाज करेंगे तो ऊपर से लेकर नीचे खींचेंगे, देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, और नीचे से लेकर ऊपर फिर से खींचेंगे। इस तरह से आप मोशन में कीजिए, मतलब जैसे सर्कुलर मोशन में कीजिए, देखिए इस तरह से। पिंडलियों में तेल हर कोई लगा लेगा, लेकिन इसको मसाज करना बहुत ही जरूरी बात है, उसी हिसाब से हमारे ब्लड सर्कुलेशन होगी और सारे जो मांसपेशियां है वो नरम होंगे। तो दूसरी पैर को भी मैं इसी तरह से मसाज कर ली, हमारे जो बगल वाली ये जो जॉइंट पोर्शन है इसमें बहुत ही दिक्कत होती है, दर्द हो जाती है, कालापन हो जाती है, बहुत कुछ है, जैसे कि हमारे घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, सब कुछ जो होता है ना दोस्तों हमारे पैर के ऊपर यहाँ पे निर्भर करता है। पूरे बॉडी का जो प्रेशर है पैर हमारा लेता है,
तो हमें हफ्ते में 2-3 बार इसको कर लेनी चाहिए। सोने के टाइम जब भी आप कुछ सब कुछ काम खत्म हो जाए, थोड़े इस तरह से मसाज कीजिए। और यहाँ पे कंकड़ का क्या काम है दोस्तों? तो जो कंकड़ हम पत्थर जो रास्ते में पड़े रहते हैं ना, उसी को हम उठा लेकर आते। इसको कभी बेकार मत समझिए, इससे बहुत ही अच्छा काम होता है। तो जो हमने जो ये कंकड़ था, जो ये स्टोन था, इसको देखिए पैर के नीचे इस तरह से दबाएंगे तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जैसे हमें मिलेगी, तो राहत मिलेगी, नर्व सिस्टम पूरा एक्टिव हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन पूरा परफेक्ट हो जाएगी। रात के टाइम आप 15 मिनट टाइम दे के इसको कीजिए। तो ये तो सब काम हमने कर लिया। फिर इस एक टब में अपने पैर को इस तरह से रखिए, थोड़ा पानी दे लीजिए और यहाँ पे थोड़ी सी नमक डालिए। रगड़ा नमक डालेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और चलिए पहले हम थोड़ा ठंडा पानी डालते हैं, क्योंकि पानी हमारा बहुत गर्म था, वो पानी पहले थोड़ा ठंडा पानी डालते हैं और इसको चेक करते ठंडा कितना है, और इसके बाद हम इसमें टेम्परेचर मेंटेन करके डालेंगे, ताकि जो ल्यू क्वाम पानी हो हमारी पैरों को धीमी धीमी जो रिलैक्स मिलती है दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है। हम यहाँ पे पैरों को डुबा के रखेंगे पानी में, थोड़ी सी नींबू निचोड़ लेते हैं। नमक नींबू तो बड़ा असर करता है इस पानी में, दर्द खींच लेता है नमक, और नींबू जो होती है सिट्रिक एसिड होती है, जो सफाई क्लीनिंग में बहुत ही मदद हो जाती है ना दोस्तों। घर पे हमने कितने पैसे लगाए, यहाँ पे कुछ तो नहीं लगाए, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। फिर यहाँ पे जो पत्थर जो कंकड़ हमने लिए थे, उसी कंकड़ को हम ले आते हैं और हमारी पैरों में डाल देते हैं। इसका काम बहुत ही जरूरी है, इसको करना बहुत ही जरूरी है, आप जरूर कीजिए, आपको 1 महीने में रिजल्ट्स बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। तो देखिए जो कंकड़ हमने रखा, उसी के ऊपर आप पैर को रगड़िए। इस तरह से रगड़ेंगे तो सारे पैर पूरा नीचे वाला हिस्सा कंकड़ की संस्पर्श में आके ये अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन कर देगी, तो हमारी पैर को बहुत ही अच्छा मिलेगा, पूरा बॉडी हमारा रिलैक्स हो जाएगी, हर तरह से हमें छुटकारा मिल जाएगी। इस तरह से आप करके देखिए, होम रेमेडी जो होती है बहुत ही अच्छा असर करता है। बाहर जाके पैसों खर्चा करो, फिर समय निकालो और मैं आपको अच्छे से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो देखिए इस तरह से आप कर लीजिए, आपको कितनी अच्छी राहत मिलती है, आप देख करके देखो, आप बहुत ही अच्छा मिलेगा। छोटा सा काम है, 15 मिनट का काम है। अब मेरी दीदी को नींद बहुत ही अच्छी आएगी, आप करके देखो, पूरा रात आप सोते रहोगे, अब पैर को इधर उधर पीटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, किसी को बोलना कि खड़े हो जाए बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एक बार करके देखो, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलती है। तो चलिए मिलते हैं कल के हेल्दी टिप्स में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड